हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन 73 से सेक्शन 75 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 73 से 75 हमें बताता है ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये आप लोगों को पता ही है, जिसे नहीं पता है उसके लिए मैं शॉर्ट में समझाती हूँ कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। जब दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, मान लीजिए ये एक्स पार्टी है, ये वाई पार्टी है, एक्स ने वाई को कुछ कहा था कि वो उसे मान लो 200 बैग्स ऑफ राइस डिलीवर करने वाला था। अब किसी भी वजह से एक्स वाई को वो बैग्स डिलीवर नहीं कर पाता है। यहां पर क्या हुआ, एक्स ने वाई के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको ब्रीच कर दिया, तोड़ दिया, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ दोनों के बीच गिव एंड रिसीव का, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्स ने तोड़ दिया। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की वजह से वाई को ऑब्वियसली कुछ ना कुछ लॉस हुआ होगा। उस लॉस के डैमेजेस कौन देगा, उस लॉस के डैमेजेस देगा एक्स, की जो भी कुछ लॉस हुआ है वाई को उसके डैमेजेस या उसका कंपनसेशन एक्स करेगा। ठीक है, तो वही बात करता है यहाँ पर सेक्शन 73 से 75 तक। देखो डैमेजेस और टाइप्स ऑफ डैमेजेस क्या होते हैं, इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की प्लेलिस्ट पर जाकर के आप उसे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 73 के बारे में। सेक्शन 73 बताता है कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हम लोग इसे बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि नहीं समझ में आएगा। इसमें साफ सी बात ये कही गई है इस पूरे सेक्शन में कि अगर कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है तो उस पार्टी को कंपनसेट करना पड़ेगा दूसरी पार्टी को, कुछ डैमेजेस देने होंगे जो मॉनेटरी फॉर्म में होते हैं यूजुअली। ठीक है, एक्स और वाई के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और अगर एक्स उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है ऑन दैट पर्टिकुलर डे, उसको वो मान लो कि कुछ डिलीवर करना है वो डिलीवर नहीं करता है, तो एक्स क्या करेगा, अब वाई को ऑब्वियसली वो जो उसने काम नहीं किया, उसने फुलफिलमेंट नहीं किया अपने प्रॉमिस का, तो वाई को कुछ ना कुछ लॉस हुआ होगा। तो अब जो वाई को लॉस हुआ है वो उस लॉस को क्लेम करने के लिए, डैमेज को क्लेम करने के लिए कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट में जाने के बाद एक्स को कंपनसेशन देना पड़ेगा वाई को। ठीक है, तो ये छोटी सी बात सेक्शन 73 में लिखी हुई है। एक और बात लिखी है कंपनसेशन फॉर फेलियर टू डिस्चार्ज ऑब्लिगेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन एन ऑब्लिगेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन इनकर्ड एंड हैज नॉट बीन डिस्चार्ज। जब कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट हुआ है दोनों पार्टीज के बीच में और वो डिस्चार्ज नहीं हो पाया, यानी कि प्रॉमिस का फुलफिलमेंट नहीं हो पाया है, एनी पर्सन इंजर्ड बाय द फेलियर टू डिस्चार्ज इट इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द सेम कंपनसेशन। वही बात लिखी है जो मैंने बताया कि जिस पार्टी को फिर इंजरी हुई है दैट पर्टिकुलर पार्टी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव कंपनसेशन, उसका पूरा हक है कि उसको कंपनसेशन मिले फ्रॉम द पार्टी इन डिफॉल्ट, जिस पार्टी ने डिफॉल्ट किया है, एज इफ सच पर्सन हैज कॉन्ट्रैक्टेड टू डिस्चार्ज इट एंड हैड ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट जब किया था तो डिस्चार्ज करने के लिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जब हुआ था तो ऑब्वियसली उसको फुलफिल करने के लिए किया था ना, लेकिन अब वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं किया गया, उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं किया किसी पार्टी ने, तो अब कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो ये बताता है सेक्शन 73। तो जब पार्टी जो जिस पार्टी को जो इंजर्ड पार्टी है जब वो जाएगी कोर्ट में तो कोर्ट उस हिसाब से डिसाइड करके बताएगी कि भाई जिसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, उसको क्या किस तरीके का कितना कंपनसेशन देना चाहिए, कितने डैमेजेस देने चाहिए, वो एस्टिमेट करके कोर्ट बताती है। ठीक है, ये हो गया सेक्शन 73। अब आ जाओ सेक्शन 74 में। सेक्शन 74 ये बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त ही डिसाइड कर लेना कि भाई अगर कोई भी पार्टी, दोनों पार्टीज में से कोई भी पार्टी अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ती है, तो उसको किस तरीके के डैमेजेस देने पड़ेंगे। ठीक है, सेक्शन 74 इतनी बात करता है, इसे एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं कि वेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन, इसकी सॉरी पहले हेडिंग पढ़ते हैं, कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पेनल्टी स्टिपुलेटेड फॉर। सो वेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन इफ द सम इज नेम्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट एज द अमाउंट टू बी पेड इन केस ऑफ सच ब्रीच ऑफ इफ द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स एनी अदर स्टिपुलेशन
stipulation by way of penalty. The party complaining of the breach is entitled whether or not actual damage or loss is proved to have been caused thereby to receive from the party who has broken the contract reasonable compensation not exceeding the amount so named, or the case may be the penalty is stipulated for. देखो इसमें सीधी सी बात, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कॉन्ट्रैक्ट जब दोनों पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसको साइन करते वक्त ही, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होते वक्त ही दोनों पार्टीज ने डिसाइड कर लिया कि भैया अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हो तो तुम्हें इतना अमाउंट पे करना होगा या किसी भी और वे में तुम्हें ये पेनाल्टी भाई देनी होगी. वो लोग कॉन्ट्रैक्ट में लिख लेते हैं पहले से कि अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी भी तरीके से ब्रीच हुआ तो तुम्हें ये सारा डैमेजेस देने पड़ेंगे, इस तरीके से तुम अपना ये जो मुझे कंपनसेट इस तरीके से करोगे, मुझे डैमेजेस इस तरीके से दोगे, तुम्हें देने ही पड़ेंगे, ठीक है. तो सेक्शन 74 ये बताता है. बात करते हैं सेक्शन 75 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में. सेक्शन 75 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेज पार्टी राइटफुली रेस्काइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन. अगर किसी पार्टी ने लॉफुली किसी कॉन्ट्रैक्ट को रेस्काइंड किया है, रेस्काइंड का मतलब होता है कैंसिल किया, दैट पार्टी इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू रिसीव कंपनसेशन. ओके, लेट्स रीड सेक्शन 75. अ पर्सन हु राइटफुली रेस्काइंड्स अ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर एनी डैमेज विच ही हैज सस्टेन्ड थ्रू द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. जिस पर्सन ने राइटफुली किसी कॉन्ट्रैक्ट को रेस्काइंड किया है वो भी एंटाइटल्ड है कंपनसेशन को रिसीव करने के लिए, जो कि जो डैमेज उसको नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हुआ है, जो लॉस उसको नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हुआ है. इसे एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग. इलस्ट्रेशन आपकी बेयर एक्ट में दिया हुआ है, अगर आप लोगों ने नहीं परचेज किया है तो प्लीज परचेज बेयर एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ओके, ए अ सिंगर कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी. ए एक सिंगर है जिसने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है. द बी कौन है? मैनेजर है थिएटर का, ठीक है. टू सिंग एट हिज थिएटर फॉर टू नाइट्स इन एवरी वीक ड्यूरिंग द नेक्स्ट टू मंथ्स. ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ, जो कि बी कौन है? मैनेजर है थिएटर का. और ए कौन है? ए सिंगर है, गायक है, ठीक है. उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि दो रातों के लिए एवरी वीक, ठीक है, फॉर हर हफ्ते दो रात के लिए अगले दो महीने तक वो गाना गाएगा या गाएगी, जो भी है, ठीक है, वो गाना गाएगा, ठीक है. फिर से एक बार समझना, उसने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है कि दो रातों के लिए इन एवरी वीक हर हफ्ते में अगले दो महीने तक ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है. एंड बी एंगेजेस टू पे हर 100 rupees फॉर ईच नाइट्स परफॉर्मेंस. जो दो रातों में गाना गाएगी वो हर हफ्ते, उसको भाई 100 rupees पर नाइट का मिलेगा, ठीक है, गाना गाने का 100 rupees मिलेगा. ऐसा इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया. ऑन द सिक्स्थ नाइट ए विलफुली एब्सेंट्स हरसेल्फ फ्रॉम द थिएटर. ओके, हरसेल्फ लड़की की बात हो रही है. छठवीं नाइट पे उसने क्या किया? जब सिक्स्थ नाइट आई तो उसने क्या किया? ए ने अपनी मर्जी से, यानी कि जो सिंगर है उसने अपनी मर्जी से खुद को एब्सेंट कर लिया, नहीं गई थिएटर में गाना गाने, ठीक है. एंड बी इन कॉन्सिक्वेंस रिस्काइंड द कॉन्ट्रैक्ट. अब बी ने क्या किया? क्या करे भाई, उसका नुकसान हो गया ना, उसने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया कि भाई तुमको आना था, हमारा दो महीने तक का कॉन्ट्रैक्ट था, तुम आई नहीं. उसने कॉन्ट्रैक्ट को रेस्काइंड कर दिया. किसने? बी ने. अब बी ने कॉन्ट्रैक्ट को रेस्काइंड किया है तो खुद दिमाग लगाओ कि उसके थिएटर में जब कोई बात पहले से कह दी गई है कि भाई हाँ एक लड़की आ रही है यहां आकर के गाना गाएगी, ठीक है, अब उसके बाद उसको वो लड़की वहां पर पहुंची नहीं, उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करा, ठीक है, वो वहां पर पहुंची नहीं. अब ऑब्वियसली बी को जो मैनेजर है थिएटर का उसे कुछ ना कुछ लॉस हुआ होगा, उसको सुनना पड़ा होगा, जो उसके ऑडियंस है उससे सुनना पड़ा होगा, ऑब्वियसली जो उसके थिएटर में जो लोग आते हैं उससे सुनना पड़ा होगा, या हो सकता है कोई मॉनिटरी लॉस भी हुआ हो, ठीक है. तो बी ने जब रेस्काइंड कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, बी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम कंपनसेशन. अब यही बात कही है, बी ने यहाँ पे राइटफुली कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया है, लेकिन फिर भी बी जो है वो एंटाइटल्ड है कंपनसेशन के लिए, क्योंकि जब दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो बात हुई है ना कि भाई तुम अगले दो महीने तक गाना गाओगे हर हफ्ते
हर हफ्ते दो रात के लिए तुम नहीं आई तो ये तुम्हारी गलती है, तुमने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है जिसकी वजह से तुम्हें कंपनसेशन देना पड़ेगा। सो बी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम कंपनसेशन फॉर द डैमेज ही हैज सस्टेन्ड थ्रू द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो बी इज एंटाइटल्ड फॉर द कंपनसेशन, जो भी कुछ उसको डैमेज हुआ है नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, ए उसको कंपनसेट करेगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सेक्शन 73 से सेक्शन 75 ऑफ द ब्रीच सॉरी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझ में आ गया होगा। एंड वन थिंग मोर, अगर आप लोगों ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाली वीडियो नहीं देखी है, सॉरी टाइप्स ऑफ डैमेजेस वाली वीडियो नहीं देखी, डैमेजेस एंड टाइप्स ऑफ डैमेजेस वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक कर दिया है, प्लीज डू वॉच इट बिकॉज दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, फील फ्री टू आस्क एनीथिंग यू वॉन्ट टू। थैंक यू सो मच।